हेलो ट्रेडर्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट गाइस। तो चलो देखते हैं कल के दिन हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले थोड़ा सा प्राइस एक्शन आज का देखो। मैंने बोला था ये गैप बॉर्डर है और यहाँ से कहीं रिवर्सल आ सकता है इस लेवल के आसपास, और ये जो गैप क्रिएट हुआ था तो ये जो है ना रेजिस्टेंस का काम करेगी। और एग्जैक्टली सेम लेवल पे जो टाइम बताया था मैंने उसी समय एम पैटर्न बना, यानी कि 12 बजे के करीब हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते थे। तो काफी अच्छा ट्रेड निफ्टी 50 के अंदर आज था। निफ्टी के अंदर मैंने आपको ये वाला लेवल मार्क कराया था और बोला था यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। अगर यहाँ अप्रोच करता है मार्केट तो हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट पहले ही एम पैटर्न बना करके रिवर्स कर गया। सो अगर आपने ट्रेड नहीं लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन एक लेवल और था यहाँ पर यार, अगर आप चाहते तो ले सकते थे, लेकिन मैं कल आपको ये लेवल बताना भूल गया था। ये देखो ये वाला लेवल, यहां से ही तो सेलिंग शुरू हुई थी ना। और एग्जैक्टली ये देखो, यहां से पहली कैंडल 22 तारीख की कितनी बड़ी ह्यूज रेड कैंडल थी, यानी कि ये क्या इंडिकेशन देता है, यहां पर सेलर बैठे हुए थे। ठीक है, तो यहां से आप लोग सेल कर सकते थे और एग्जैक्टली सेम लेवल से रिवर्स हुआ मार्केट। बट पार्डन मी, मैं आपको ये लेवल बताना भूल गया था, लेकिन अगर किसी को एक्सपीरियंस था तो उन्होंने काफी अच्छा आज के दिन ट्रेड किया है और यहां भी एम पैटर्न का लुत्फ उठा करके काफी अच्छा प्रॉफिट किया है। इतना बड़ा टारगेट अचीव किया आज के दिन, और एग्जैक्टली मैंने इस लेवल को मार्क कराया था, ये ब्लैक लाइन, वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लेकर के रिवर्स किया है। ठीक है, देख पा रहे हो इस चीज को, और ये इस लेवल को भी देखना, थोड़ा सा इसके ऊपर ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं यार, ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेवल्स इज इंपॉर्टेंट। पहला इंपॉर्टेंट लेवल, ये लेवल आप देख पा रहे हो, ये वाला, यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया, सेकंड फिर सपोर्ट लिया और एक कुछ एम पैटर्न बना करके यहां पर ये ब्रेकआउट दिया था। तो यार जब तक मार्केट यहां पर है ना कंप्लीट रेंज में 36400 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता है, तब तक आपको ऊपर पॉजिटिव रहना है। ठीक है, और बाइंग के मौके देखने हैं, लेकिन उसके लिए भी एक थोड़ा सा बताऊंगा अभी जो मैं कह रहा हूं वो सुनिए। ठीक है, और सेलिंग के मौके इसके नीचे देखने, 36400 के नीचे। ठीक है, ये मिल सकता है लेवल आपको जो आज का लो है, उसके बाद आपको ये लेवल मिल सकता है जो कल हमने मार्क किया था। देखो यहां पर कितनी बार मार्केट ने सपोर्ट लिया था, देख पा रहे हो ये डब्ल्यू पैटर्न बना करके, तो ये अभी भी ये लेवल जिंदा है। 4-5 दिनों के लिए लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर एक रिवर्सल मिल सकता है आपको अगर मार्केट ने इसको अप्रोच किया तो। ठीक है, इस लेवल को, इसकी रेंज देख लो आप एक बार। ठीक है, ये है इसकी रेंज, तो नीचे का ये लेवल है, और अगर इसके नीचे टूटता है तो ये लेवल हमें दिख सकता है, लेकिन यहां पर एक रिवर्सल का प्लान हम लोग कर सकते हैं 12 बजे तक में, 12 बजे तक सिर्फ। ठीक है, उसके बाद नहीं, शुरू में मिल सकता है, इतना गैप अप खुल जाए, यहां खुल जाए तो रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो ऊपर की ओर अगर देखो, सबसे अच्छी बाइंग आपको कहाँ मिलेगी, बाय करनी है तो इस लेवल के ऊपर, अगर यहीं कहीं मिल जाता है मार्केट फ्लैट खुल करके, तो पहला टारगेट हम लोग ये रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा यहां पर बुक कर लेना अपना आधे से ज्यादा प्रॉफिट, क्योंकि ये जो लेवल है ना काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहां से हमें रिवर्सल का प्लान करना चाहिए 12 बजे तक में। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, तो इस लेवल को आप देखो, ये यहां पर मार्केट ने यहीं से फॉल चालू हुआ था, फिर कंसोलिडेशन के बाद ये काफी अच्छा ब्रेकआउट आया था इस लेवल के ऊपर, तो ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, यहां से रिवर्सल का प्लान हम लोग कर सकते हैं। और मान लो बाई चांस वो लेवल टूट जाता है तो ये लेवल मिल सकता है हमें, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ से रिवर्स के मौके देखने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे लेवल समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं निफ्टी की ओर, कल क्या कर सकते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है यहाँ पर, ये देख पा रहे हो इस चीज को, ये काफी अच्छा ट्रेंड लाइन बना रहा था, एक बार दो बार ये तीसरी बार, और ये इसका ब्रेकआउट आया हुआ यहाँ पर। तो हम लोग बाइंग के प्लान कहाँ पर कर सकते हैं, बाइंग का प्लान कब करना है इस चीज का ध्यान रखो। देखो मैं कल थोड़ा सा निफ्टी 50 में बाइंग के लिए अवॉइड करूंगा, लेकिन अगर बाइंग करनी भी है ना तो हम लोग कर सकते हैं भाई इसके ऊपर जो आज का हाई है, और ऊपर का लेवल क्या दिख सकता है हमें, ये वाला। सबसे बेस्ट ट्रेड होगा भाई इस लेवल से रिवर्सल, अगर 12 बजे तक में कोई यहां पैटर्न बनता है ना तो एक रिवर्सल कर सकते हैं। सो मैं बाइंग की जगह वेट करूंगा, ये जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है यहां पर, यहां से रिवर्सल का, ये रेजिस्टेंस है क्या, प्राइस एक्शन देख लो यहां पर, देख पा रहे हो इस चीज को, कंसोलिडेशन को, तो काफी अच्छा रेजिस्टेंस है भाई ये, तो मैं यहां पर सेलिंग का प्लान ज्यादा करूंगा रदर की यार मैं बाइंग करूं। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे बेस्ट ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट है। ऊपर का लेवल ये दिख सकता है, ये लिख सकता है, ये गैप बॉर्डर है, समझ गया, यानी कि अगर मार्केट यहां पर था तो यहां खुल गया, ये गैप बन गया, या मार्केट यहां था तो यहां खुल गया, गैप बन गया। आप ये वनडे के चार्ट पे देखना जाकर के। ठीक है, उसके बाद ये लेवल मिल सकता है आपको, फिर ये लेवल मिल सकता है आपको, तो ये जो ऊपर के लेवल है इनके ऊपर आप रिवर्सल का प्लान कर सकते हो और सपोर्ट पे बाय कर सकते हो। ठीक है, और नीचे के देखो, जब तक मार्केट इसके नीचे रहेगा तब तक हमको सेलिंग का प्लान करना है। पहला लेवल ये दिख सकता है, दूसरा ये दिख सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक सेकंड, ये लेवल क्या है, कल भी बताया था लेकिन एक बार बता देता हूँ, यहीं पर मार्केट ने कितनी बार सपोर्ट लिया आपको दिख रहा है ये लेवल यहाँ पर, देन ये ब्रेकआउट आया हुआ, तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे आपको ये दिख सकता है 16900 का, फिर ये लेवल दिख सकता है, तो ये सारे लेवल आपको याद रखने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।